बुराई के बीच भी अच्छाई की बेहतरी की संभावनाएं सदैव बनी रहती। एक समय बेईमान शब्द गाली जैसा, समय बदला, वक्त बदला, लोग किसी भी तरह सफलता चाहने लगे तो बेईमानी भी एक योग्यता बन गई। बेईमान लोगों को मुखड़ा बना लिया जाता है और वो कैसा भी काम निकाल कर ले आते हैं। दूसरे लोग ये मानने लगते हैं कि बेईमानी भी एक योग्यता है। अब बेईमान के साथ क्या करें, एक बेईमान को हटाओ तो दो नए आ जाते हैं। इसलिए विचार करिए कि उसकी बेईमानी आपको प्रभावित न कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए कि हम उसकी बेईमानी को सुधारें बल्कि बढ़ाएं। एक गलत व्यवस्था से ही अच्छे व्यक्ति को निकलना पड़ता है। ये काम हनुमान जी ने विभीषण के साथ किया। विभीषण लुटेरों के बीच बेईमानी की नगरी लंका में रहते थे, रावण के भाई थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि बेईमानी, उस बेईमानी में से एक ईमानदार निकाल लिया। तो आज भले ही लोग अज्ञानता के कारण विभीषण को घर का भेदी कहते हैं, पर विभीषण इस बात का भी प्रतीक है कि बुराई के बीच अच्छाई की संभावना भी सदैव बनी रहे। बुरे से बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा अवसर निकल आता है और बुरे से बुरे लोगों के बीच भी कुछ अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। बस हमें पहचानने की कला होनी चाहिए और हमें उस अच्छाई को निकाल कर उसका सही सदुपयोग करने का टैलेंट होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। और बुरे वक्त, बुरी व्यवस्थाएं, बुरे माहौल और बुरी परिस्थिति के बीच भी हम अच्छाई की और आगे बढ़ सकते, अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़कर हम अच्छाइयों का ग्रहण कर सकते, उसमें से भी अच्छे लोगों को चुनकर उनकी योग्यता का सदुपयोग कर वर्तमान को बेहतर और भविष्य बेहतर बना। इस काम को मैंने किया है, कर रहा हूँ और इसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। जरूर नहीं कि हर बुरा वक्त और बुरा स्थान और बुरा समय सदा के लिए बुरा ही, उसमें से भी अच्छी बातें, अच्छा कौशल्य, अच्छे लोग, अच्छे कार्य, इसके बीच भी संभव है और ये मैंने देखा है, महसूस किया। तो आप भी बुरी परिस्थिति, बुरे वक्त, बुरे लोगों के बीच भी हो, उसमें भी आप अच्छाई चुन सकते हैं, अच्छे लोगों को चुन सकते, अच्छा स्वभाव चुन सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते, और ये संभव है। तो इस मार्ग की ओर आगे बढ़िए और जीवन को